मेरा नाम शाजिया है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज चूँकि ईद का दिन है और मेहमान नवाजी तो बलूचिस्तान की रिवायत है और हम बलूचिस्तान के लोग तो दिल खोल कर मेहमान नवाजी करते हैं। तो आज मेरे घर में चूँकि रात की दावत है, बड़ी मज़े की सज्जी देखिए आपके सामने फ्राइड तैयार की हुई है, साथ में कलेजी है और कढ़ाई गोश्त है और शुलम्बे जो यहाँ का एक बेसिक खाने को हज़म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। यहाँ की लोकल जो शुलम्बे होती है वो तो हम ज़रूर रखते हैं हर खाने के साथ, जो खाने के लुत्फ को दुबाला भी करती है और बड़ा अच्छा हाजमा भी होता है। लम कलेजी जो है वो हमारे घर में बड़ी पसंद की जाती है, यानी कि जो दुम्बे की चर्बी होती है उसे थोड़ा सा पिघला लिया जाता है और उसमें फिर धुली हुई कलेजी आप डाल दीजिए और नमक और सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आप डालिए और उसमें उसको सुरख करिए, बस और कोई मसाला नहीं है। थोड़ा सा लहसुन आप डाल सकते हैं उसकी भूख को हटाने के लिए, तो ये बड़ा ही जो एक लज्जत देती है उसका तो फिर बात ही अलग है। ना कोई पानी उसमें शामिल करें, ना कोई दूसरा ऑयल डालें, बस वो अपने ही कुदरती जायका में पकती है। सजी वैसे तो दम पुख्ता आप कोयलों पे भी बना सकते हैं, उसको फॉइल में बंद करके हम बनाते भी हैं अक्सर, लेकिन अब चूँकि आज माशाल्लाह मेहमानदारी है और काफ़ी लोग हो जाएंगे तो जल्दी की वजह से भी हमने ओवन का इस्तेमाल, और वैसे भी अब जिद्दत आ गई है तो कोयले और ये वो से बेहतर लगता है कि ओवन। तो इसमें मैंने रात को ही, जैसे आज सुबह कुर्बानी हुई तो उसी वक्त आपने मसाला उसी टाइम जल्दी से लगा देना है इसको, सिरका और नमक, बस ये दो चीज़ें इसकी बेहतरीन है। उसके बाद जो है ये एक दो तीन घंटे पड़ी रही है क्योंकि रात की दावत थी, उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है। फिर उसके बाद आप इस पर हल्का सा मिर्च मसाला ज़ीरा ये सब चीज़ें मलकर दो तीन घंटे के बाद वो रख दें, फिर उसे ओवन में हल्की आँच पर पकाइए। दो से तीन घंटे में सब्जी बड़ी फर्स्ट क्लास तैयार हो जाती है क्योंकि ताज़ा ताज़ा गोश्त होता है कुर्बानी का, तो वो बहुत वक्त नहीं लेता है।